हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं सेकंड हैंड लग्जरी। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक एसयूवी देखने वाले हैं जो कि रेंज रोवर की तरफ से आती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एसयूवी है। V8 इंजन के साथ आती है, 3 लीटर का इंजन है। और ये जो एसयूवी है बहुत ही रेयर एसयूवी है। इसका नाम है रेंज रोवर स्पोर्ट। नाम तो सुना ही होगा। बहुत अच्छी कंडीशन में कार जो है वो कार मॉल नासिक के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट ओनर कार है। आप इसकी एक बार थोड़ी सी कंडीशन भी देख सकते हैं। कार जो है वो पूरी अच्छी कंडीशन में है और ब्राउन इंटीरियर के साथ आती है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। जो नीचे लाल वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। तो जल्दी से अभी इस कार की एक बार कंडीशन पूरी देख लेते हैं और उसके बाद हम इस कार की जो है वो डिटेल्स के बारे में बात कर लेंगे। अभी मैं कैमरा के पीछे जाता हूँ जिससे आपको जो है वो कार की व्यू अच्छे से आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है रेंज रोवर स्पोर्ट। आप इसकी पूरी एक बार बाहर से कंडीशन देख सकते हैं। ये कार जो है ये वाइट कलर में यहाँ पे अवेलेबल है। 2009 का मॉडल है और पूरी कार जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 37,000 किलोमीटर चली हुई है। फर्स्ट ओनर कार है। आप इसका एक बार पीछे से भी लुक देख सकते हैं। ये कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है और काफ़ी आई कैचिंग लुक है इस कार की। मैं आपको दूसरी साइड से भी इस कार की एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ, क्योंकि कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है भाई। इसके अंदर आपको जो है वो रेयर वाइपर भी मिलता है। ये देखिए, आप दूसरी साइड से भी देख लीजिए, आपको ये कार जो है वो पूरी स्क्रैचलेस मिलती है। और इसका जो कलर है वो पूरा ही ओरिजिनल कलर है। इसके ऊपर आपको रीपेंटिंग का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी जो कार है वो स्टॉक है, क्योंकि ऐसी कार जो है वो स्टॉक कार सी अच्छी लगती है। आप इसकी जो हेडलैम्प्स है वो भी देख सकते हैं। आपको इस कार के अंदर जो है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलती है और यहाँ पर आपको हैलोजन लाइट्स भी मिलती है। ये जो हेडलैम्प्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेंज रोवर की जो वो बैजिंग मिलती है। और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपको इस कार के अंदर जो है वो साइड में एयर वेंट्स मिलते हैं। और इसके एक बार आप व्हील्स भी देख लीजिए। इसके अंदर आपको जो है वो 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। चारों के चारों व्हील्स जो है वो डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। एक बार हम इस कार की जो है वो अंदर की कंडीशन भी पूरी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा दिया था, इस कार के अंदर जो है वो आपको ब्राउन कलर का इंटीरियर मिलने वाला है। ब्राउन एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर है और ये इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा रगेड दिखता है। आप पूरा इंटीरियर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखती है ये कार अंदर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको पूरा ही एनालॉग मिलता है। स्टेयरिंग व्हील भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल जो है वो मिलते हैं। अगर आप इसका जो है वो डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिलती है और नीचे आप देखें तो आपको बहुत ही मैसिव कंट्रोल्स मिलते हैं इस कार के अंदर। यहाँ पे जो इस कार का गियर बॉक्स है वो आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। और अगर आपको इस कार के अंदर मैनुअल मोड का भी एक्सपीरियंस लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। पूरी कंडीशन जो है वो आप इस कार की देख सकते हैं। आपको इस कार के सीट्स के ऊपर भी कोई भी घिसावट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। जो कार का फर्स्ट ओनर था उसने बहुत ही ज़्यादा प्यार से इस कार को संभाला है और ये कार है भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी। यहाँ पे आप देखें तो आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर भी आपको जो है वो स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर आपको ड्राइवर के लिए और फ्रंट पैसेंजर के लिए दोनों के लिए जो है वो हैंड रेस्ट मिलता है। और आप इस कार के जो है वो पीछे की भी कंडीशन पूरी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पीछे ही जाके दिखाता हूँ इस कार की पीछे की कंडीशन। पर फ्रंट से कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इसके डोर्स देखें तो यहाँ पे आपको डोर्स के अंदर जो है वो वुड फिनिशिंग मिलती है और यहाँ पे वुड फिनिशिंग के ऊपर भी आपको लैंड रोवर की जो है वो बैजिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलेगी दोनों साइड में, दोनों डोर्स में आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलती है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको जो विंडोज़ के कंट्रोल्स है वो यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपली एक्सेसिबल होते हैं। एक एसयूवीज में ऐसे ही कंट्रोल्स की जो है वो ज़रूरत होती है। और इस कार के अगर हम साउंड सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको हार्मन कार्डन का जो है वो साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा साउंड एक्सपीरियंस जो है वो देता है।
इसके अंदर आपको यहाँ पे भी जो है वो स्पीकर्स मिलेंगे। जो साउंड सिस्टम है वो तो बहुत ही मज़ेदार है इस कार का। अभी हम रेयर साइड में देखें तो आपको रेयर इंटीरियर जो है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आपको एक डिसेंट सी जो है वो लेग स्पेस इस कार के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आप देखें तो आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए भी जो है वो एसी वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको पीछे भी जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन्स मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये कार जो है वो सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। इस कार के अंदर आपको पिलर्स में भी जो है वो एयर बैग्स मिल जाते हैं। पीछे आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही बड़ी सी जो है वो एक बूट स्पेस मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बड़ी इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलती है। और यहाँ पे पीछे के डोर्स में आपको जो है वो बहुत सारे जो है वो कंट्रोल्स मिलते हैं। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इस कार की जो कंडीशन है वो सच्ची में बहुत अच्छी है। एक बार आप इस कार की बूट स्पेस भी देख लीजिए। आपको ये बूट जो है वो कुछ इस तरह से मिलती है। इस कार के अंदर आपको बहुत बड़ी सी एक बूट स्पेस मिलती है, आप देख सकते हैं बहुत ही मैसिव बूट स्पेस है। और इस कार की जो बूट है आप दो वे से खोल सकते हैं। आप चाहे तो ये पूरी बूट जो है वो यहाँ से खोल सकते हैं, मैंने सिर्फ ये रेयर विंडो जो है वो खोली है। तो ये वाला काफ़ी मज़ेदार फीचर है। अगर आप इस कार की पूरी लुक देखें तो ये कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है। आपको ऊपर जो है वो ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है इस कार के रूफ पे। तो अभी मैं इस कार की आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ये कार जो है ये है 2009 का मॉडल, डीजल वेरिएंट है। और ये कार जो है ये सिर्फ और सिर्फ 37,000 किलोमीटर चली हुई है। फर्स्ट ओनर कार है और ओनर ने जो ये कार बहुत ही ज़्यादा प्यार से मेंटेन की है। आप इस कार की जो पूरी कंडीशन है वो देख सकते हैं, पूरी जेन्युइन कंडीशन है। इस कार की जो आस्किंग प्राइस है वो है 45 लाख रुपीज़, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। अगर आपको ये कार पसंद आती है तो आप यहाँ पे आके इस कार के अंदर जो है वो नेगोशिएट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो है वो फाइनेंस का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आपको 31 लाख तक इसके अंदर फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। अगर आपको ये कार पसंद आती है तो आप कारमॉल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके इस कार की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। और यहाँ पे आप जो भी SUVs देख रहे हैं मैंने एक ही वीडियो में सारी कवर की है। अगर आपको एक छोटा वीडियो चाहिए हो तो वो भी मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं, या ऊपर जो आई बटन है उसके ऊपर भी आप क्लिक करके जो है वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।